रेलवे ने बोर्ड बना दिया है, 16 फरवरी तक लड़कों को अपना सुझाव देना है और 4 मार्च तक आरआरबी को रिपोर्ट देनी है, उसके बाद एक अच्छी रिपोर्ट बनेगी और ये होगा। ये कहीं ना कहीं आरआरबी की एक गलती है, 40 घंटा पहले आरआरबी ने ऐसा बेतुका फरमान जारी किया जो इस प्रोटेस्ट में नहीं था उसको। आप मीडिया वाले हैं, चूंकि आप लोग क्या है कि एग्जाम का टेक्निकलिटीज को आप लोग उतना अच्छा से मतलब नहीं समझ पाते जितना, क्योंकि हम लोग को दिन भर पढ़ाना है। टेक्निकलिटी क्या है कि इस आंदोलन में केवल एनटीपीसी के लड़के विरोध कर रहे थे जिनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, तो यहाँ एक तो वो छोटा सा समूह था और लड़के इंतजार कर रहे थे कि हमारे लिए कुछ गवर्नमेंट या आरआरबी अच्छा सोचेगी, लेकिन आरआरबी ने उनको तो सोचा ही नहीं, बल्कि जो 1.5 करोड़ लड़के ग्रुप डी वाले थे इनको कह दिया कि आपको डबल एग्जाम लेंगे, जिस वजह से वो 1.5 करोड़ लड़के अचानक बाहर निकल गए। तो हम लोग को पता ही नहीं था, हम लोग को लगा ये तो घर में है सब निकलना, तो हम लोग को लगा कि ये क्या कर रहे हैं सब, तो हम लोग को समझाते यहाँ तक फिर भी पटना में कंट्रोल किया गया। हम लोग पहले दिन से राजेंद्र नगर टर्मिनल पे जब प्रदर्शन हुआ वहां पर थे, वहां प्रदर्शन बिल्कुल शांत था और उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले उस दिन दागे और कल जो प्रदर्शन था वो उग्र रूप ले लिया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रदर्शन जो हुआ वो उग्र रूप इसलिए हुआ क्योंकि प्रशासन ने आंसू गैस के गोले और इसके बाद लाठीचार्ज वगैरह बच्चों पे किया? आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो प्रदर्शन उग्र होने का मुख्य कारण यह था कि शुरुआत में जो प्रदर्शन था केवल एनटीपीसी वालों का था जिनकी संख्या कम थी, लेकिन 4 बजे जैसे 3 से 4 के बीच में रेलवे आरआरबी ने नोटिफिकेशन डाला 1.5 करोड़ लड़कों के लिए, तो वो अचानक हुजूम आ गया जिस वजह से प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया यहाँ पर। क्योंकि उन लोगों ने देखिए आंदोलन अपने जगह पे नॉर्मल हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हैं कि वो इसमें इंटरफियर किए, काश 40 घंटा पहले करते किसी को कोई तकलीफ नहीं आता। इतने लड़के सड़क पर हैं, वो पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी अपने समय पे आप लोग को ही पता है कि वो कोई ऐसा भीड़ नहीं है जिनको कोई बहका के ला सकता है, वो पढ़े लिखे लड़के हैं। आरआरबी की सबसे बड़ी गलती क्या है, वो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। आरआरबी का कहना है कि हमारा एग्जाम लेट इसलिए हुआ कि हमें कोई एजेंसी नहीं मिला। आप लोग हमसे सवाल पूछने आए हैं, क्या इस तरह से आरआरबी ने कभी बुला के बोला? नहीं बोला, इनकी गलती है। तो स्पष्ट बोलना चाहिए कि हमें एजेंसी नहीं मिल रही है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, आप 6 महीना इंतजार कर लीजिए। जो गरीब बच्चा है वो 6 महीना कुछ काम कर लेता, वो बेचारा पटना में मर रहा है कि हमारा एग्जाम कल होगा कि 2 साल बाद होगा कि इस जन्म में होगा कि नहीं, इसलिए तो उसको बस आप जो काम कीजिए बता के कीजिए, बस यही कहना है। हाँ, रेलवे बोर्ड के पास हम 5 बजे मीटिंग है हमारी, जैसा होगा हम आपको बताएंगे। अभी रेलवे बोर्ड के पास मीटिंग है, वो कितना लंबा मीटिंग जाता है किसी को नहीं पता, पिछली मीटिंग 5 बजे से 8:30 बजे तक चली थी। लीडरशिप की कमी थी इस प्रदर्शन में और आपको मुख्य लीडर के रूप में इसमें माना जा रहा है। ये लीडरशिप की कमी ही इस आंदोलन की सबसे बड़ी रीढ़ थी, क्योंकि जब लीडर को आप बनाते हैं तो लीडर गायब आंदोलन खत्म, ये होता। लेकिन दूसरी बात समझिए, इसमें कोई लीडर ही नहीं था, तो एक ही रास्ता था कि लड़कों की मांग मांगे, क्योंकि उसका कोई लीडर ही नहीं, बात किससे करिएगा। ये हम बोले तो अलग बात है, पटना के डीएम साहब ने खुद बोला कि लीडरलेस आंदोलन है, आप उनका वाइब देखे होंगे, उन्होंने खुद बोला था। वो इतने सुलझे हुए इंसान है, वो कभी इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो मतलब ग्राउंड रियलिटी है। ये लड़कों की अचानक समय हम बता रहे हैं, 40 घंटा पहले आप किसी को नोटिफिकेशन देंगे, किसी का हॉस्पिटल में मरीज है, अगर वो मर गया है तो डॉक्टर आके किसी को कह गए तुम्हारा मरीज था मर गया, बवाल नहीं कर देगा? मर जाता है ना हॉस्पिटल में तो प्रोटोकॉल होता है कि उसको आदमी पहले बोलता है कि सीरियस है, ऑक्सीजन पे गया, फिर आधा घंटा बाद बोलेगा वेंटिलेटर पे, फिर कहेगा भगवान से दुआ कीजिए, फिर कहेगा कोमा में, मर चुका है, लेकिन वो आधा एक घंटा डिले करता है ताकि आपके अंदर सहनशीलता है। तो आपको आराम आराम से कहना चाहिए, आप स्टूडेंट फ्रेंडली ही नहीं है यहाँ पर। आरआरबी के लोग गाड़ी और ऑफिस के सेवा कभी सड़क पे उतरे तब तो समझ में आएगा स्टूडेंट की क्या समस्या। बच्चों को बच्चों को महसूस नहीं हुआ, आपका कहना एक बिल्कुल सही है, इसीलिए लड़के आए हैं। देखिए आप एग्जाम लीजिए 2 की जगह 5 लीजिए, लेकिन जब आप नोटिफिकेशन निकाले थे उसी वक्त आपको कहना चाहिए, मान के चलते हैं कि आरआरबी को भी नहीं पता था कि 2 करोड़ फॉर्म आ जाएंगे, तो आरआरबी को भी कहना चाहिए कि देखिए हमें आइडिया नहीं था इसलिए अब मजबूरी में हमें 2 पेज का एग्जाम लेना पड़ेगा, हम आपको 6 महीना टाइम देते हैं, आप 20 दिन टाइम दे के कहिएगा, ये गलत है। आरआरबी की केवल एक गलती है कि वो फाइनल डिसीजन अपने ऑफिस में बैठ के लेके लड़कों को दे देता है, लो मानो। तो ये नोकिया का जमाना नहीं है कि आप जो बोल देंगे चल जाएगा, अब ये जमाना है 5G हो गया है, सारे लड़के पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया छोटे से बात को नेशनल लेवल तक पहुंचा देता है। देखिए रेल मंत्री को गलत जानकारी दी गई है, तो कहा जाता ना दही के गवाही चिवरा, तो आरआरबी ने ही गलती किया है और रेल मंत्री आरआरबी से ही पूछ रहे हैं, इस वजह से ये सारी समस्याएं आई हुई हैं।
तो आप लोग इस समस्या को समझिए, रेल मंत्री के पास जानकारी जो है वो गलत है। एक्चुअली क्या है कि एक लड़के को 4 बार काउंट किया गया है और रेल मंत्री से कहा जा रहा है कि देखिए हमने तो 20 गुना दिया ही दिया है, तो एक लड़के को आप 4 गुना करेंगे तो गड़बड़ होगा। हमारा या रेल देखिए हमारा क्या मांगे, हमको कोई नौकरी तो करना नहीं है। कहना सीधी सी बात यही है कि एक लड़के को आप 4 जगह क्वालिफाई कराना है तो करा दीजिए, बट है कि उसको काउंट 1 जगह कीजिए, आप उसको 4 लेवल में क्वालिफाई कराइए, कोई दिक्कत नहीं। कि कोर्ट का मामला अगर ऐसा कुछ होता है तो कोर्ट का मामला कैसे हो जाएगा? आपने अचानक 20 दिन पहले अगर आप CBT 2 एग्जाम घुसेड़ सकते हैं तो ये कोर्ट का मामला नहीं होगा, और आप उसको 20 गुना जो आप पहले बोल चुके हैं उसको 20 गुना दे देंगे तो कोर्ट का मामला हो जाएगा। सवाल नोटिस भी निकला है कि जो लोग भी हिंसक प्रदर्शन में शामिल है उनको लोगों नौकरी आजीवन रोकेगा RRB। अब ये प्रशासनिक चीज है, ये RRB को सख्त डिसीजन नहीं लेगा तो सारा ट्रेन भी दिक्कत आएगा, तो उसको सख्त एक्शन लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि जब स्टूडेंट्स का आंदोलन होता है, जायज मांग हो या उसकी जांच की जाती है, लेकिन कुछ सामाजिक तत्व उसकी आड़ में अलग तरीके से हिंसा करते हैं, इसको देखिए। अब इसमें क्या है कि RRB जब बवाल नहीं होगा तो कोई लड़का सड़क पे क्यों उतरेगा? नहीं, कहने का मतलब ये है कि जैसे असामाजिक तत्व, देखिए बात समझिए, यहाँ पे RRB का जैसे स्टूडेंट के बीच में असामाजिक तत्व तो घुस जाएंगे, क्यों? आप 40 घंटा पहले 1.5 करोड़ लोगों को प्रभावित करेंगे तो सीधे उठ के आएगा, और अगर आप ध्यान देंगे तो ये हिंसक वही हुआ है जहाँ के लड़के आसपास के, पटना में उतना हिंसक इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ गाँव से लड़के बाहर आए हैं यहाँ पे, और वहाँ पे और अन्य जगहों पर क्या है कि पास नहीं होने की वजह से लड़कों को थोड़ा सा मोटिवेशन बूस्ट हो जाता है, जिस वजह से ये आंदोलन उग्र ले। जैसे जो लड़के आंदोलन में रहते हैं आंदोलन कर रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्व तो उनकी आड़ में इसमें आ जाते हैं, ये तो प्रशासन का काम है देखना। अभी इसमें हम लोग कहां, आपको क्या लगता है कि एक खान सर पटना में बैठ के पूरा इंडिया कंट्रोल कर लेंगे? ये बताइए, प्रशासन का कहना था कि खान सर 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप इतने मीडिया वाले हैं लोग, एक आदमी बता दे कि 26 जनवरी को आज पटना में कोई लड़का लॉज से बाहर भी निकला है तो हमने सख्त मना किया, हमारे चैनल को अगर रोक नहीं लगाया जाता, फ्रीज नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं होने देते। लेकिन एक हर इंसान की लिमिटेशन होती है, हम तो टारगेट लेके रखे थे कि NTPC वालों को संभालना है, 40 घंटा पहले आप 1.5 करोड़ लड़कों को उकसा देते हैं। कहीं लगता है कि जो YouTube का रोक आपके चैनल पे लगा तो आपके जो मैसेज हैं आप इस वक्त वो ज्यादा कामयाब हो सकता था? हाँ, ये है। एक्चुअली क्या हुआ, बहुत से लड़कों को चोट आ गई तो हम लोग उसके इलाज में लग गए, उनका इलाज कराना, किसी का फ्रैक्चर हो गया तो इलाज में हम लोग लग गए। दूसरा क्या था कि कई लड़कों को खाने को नहीं था, खाना बना के खिलाना, उनको मोबाइल टूट गया मोबाइल देना कई लड़कों को, तो हम लोग इसमें लग गए लोग, तो हम लोग को लगा कि कोई कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये लड़का एक्चुअली क्या है कि गांव-गांव तक इसके लड़के हैं फॉर्म भरे थे जो इसी के लिए तैयारी कर रहे थे, और कोरोना ने उनका 2 साल खा गया, आपने कुछ बोला नहीं, आप स्पष्ट बोल देते कोरोना में एजेंसी नहीं मिल रही, कोरोना बाद एग्जाम होगा, कोई दिक्कत नहीं था। और RRB को समझिए, आप ही बताइए, 2019 का फॉर्म निकला, अचानक आप 2022 में रिजल्ट दे रहे हैं, 15 जनवरी को कहेंगे कि 25 दिन बाद एग्जाम ले लेंगे, मतलब आपका जब बस चले तो आप 3 साल इंतजार कर दीजिएगा और लड़का को 25 दिन दीजिएगा, इसका मतलब लड़का जो फेल होगा कि पास होगा उसको पता चलेगा, और मान के चलिए कोई लड़का मीडियम लेवल का है उसको अचानक पता चला कि हम पास हो गए तो उसके पास तो 25 दिन है, क्या करेगा वो? फ्रेंड, हर एग्जाम में आपको पहले से वैकेंसी दे रहे हैं, 6 महीना पहले बता दीजिए कि हमारी ये वैकेंसी आने वाली है, इस महीने में आसपास में आ सकती है, इशारा कर दीजिए, लड़का समझ जाएगा। आप रिजल्ट दे रहे हैं, BPSC का एग्जाम कब होगा कोई भरोसा ही नहीं रहता, रेल एयरफोर्स XY का आप बताइए कब डेट है, आप लोग इतने पढ़े लिखे किसी को नहीं पता है। अच्छा, इससे पहले जब प्रदर्शन और ये चल रहा था उस वक्त प्रशासनिक स्तर पर ये कहा गया था कि जो कोचिंग संचालक और भी लोग हैं उनको कहा जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी, क्या इस तरह की कोई मैसेज? हाँ, हमारे पास भी ऐसा हुआ है, प्रशासन, हमने पूरे पटना प्रशासन का सहयोग किया है, आप लोग प्रत्यक्ष गवाह है, पूरे पटना के किसी गली में घूम लीजिए, कोई लड़का को कह दीजिए कि खान सर ने मना किया है या नहीं किया है, या कोई लड़का उग्र हुआ हो आप हमको बताइए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हम पटना में बैठ के पूरा भारत कन्याकुमारी कंट्रोल कर दे, नहीं हो पाएगा। हमें आरा के लड़कों को कल मना किया, आज आरा में कुछ नहीं हुआ है, आप देखिए जहानाबाद और गया के लड़कों को हम लोग मना किए थे स्पेशली, वो वीडियो ही हटा दिया वहां पर, इस वजह से थोड़ा सा हो गया। और थोड़ा सा आउट है, सबसे बड़ा परीक्षा है तो 3-4 साल वक्त लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि इसमें क्या, इसमें हम यही कहेंगे कि देखिए आप लड़कों को, आपको अगर 2 साल वेट करना है, सारा लड़का अमीर नहीं होता है, हमारे पास 2 लड़के ऐसे आए थे भगवान की दया से, पिछली बार उनका सिलेक्शन हो गया, अब इतना याद नहीं किस चीज़ में हुआ था, बट वो लोग मजदूरी करते थे
और पटना में मजदूरी होता है ना, सीमेंट बालू लेके छत पे चढ़ना, दो भाई थे, एक हफ्ता एक करता था तो दूसरा पढ़ता था, अगला हफ्ता वो करता था। आप ऐसे लड़कों को बिना नोटिफिकेशन दिए 3 साल तक करेंगे, मतलब वो मजदूरी करता रह जाए, तो कम से कम उसको मौका दे देते कि हाँ भैया हमको कोरोना है, हम आपको ये एग्जाम 1 साल बाद लेंगे। फरवरी में जो एग्जाम डेट दिया गया, अगर लड़कों से कह दीजिएगा कि देखिए बाबू कोरोना है, ट्रेन नहीं चल पाएगी, हम आपके एग्जाम को अप्रैल में ले लेंगे, तो आपको क्या लग रहा है बवाल करने जाएगा? वो लड़का नहीं देख रहा हम कैसे ट्रेन, और ये एग्जाम लेते कैसे फरवरी में, ये बेवकूफी देखिए। एक लड़के का 4-4 जगह रिजल्ट है, एक एग्जाम होगा बेंगलोर में, एक होगा अहमदाबाद में, एक होगा भोपाल में, और ट्रेन चल रही है 10%, वो कहां से दौड़ेगा 5 दिन में एग्जाम कराना है? कोरोना है पीक पर, यहां पे 5 लाख मरीज मिल रहा है, यहां पे ये सोच रहे हैं कि उनका स्टूडेंट कहां लेवल है उन लोग का? मंत्री जी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको टेंशन ही नहीं रहता। प्रधानमंत्री पर 5 मिनट के लिए, अब प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं बहुत बहुत उनका, कि उनका आने बस 5 मिनट तो बोल दे कि ये सारा मैटर सॉल्व हो गया। और लड़कों से भी कहेंगे कोई अब आंदोलन नहीं होगा, अब वेट एंड वॉच करेंगे आप लोग क्या बोर्ड का कहना, अभी हम भी जा रहे हैं बोर्ड में, बोर्ड से क्या होगा फिर हम लड़कों को कल बताएंगे। एक अंतिम सवाल सर, आप कहते हैं कि वीडियो डिलीट कर दिया जाती है, क्या कहेंगे क्योंकि आज भी आंदोलन हो रहे हैं, आपके स्टूडेंट सिर्फ पटना के नहीं है, बिहार के अलग जिलों के हो सकते हैं, बिहार से बाहर के हो सकते हैं, तो आप मेरा वीडियो डिलीट होगा नहीं, तो अभी क्या कहेंगे बच्चों के आंदोलन कर? आंदोलन जितने लोग कर रहे हैं सारा आंदोलन अभी खत्म हो गया, हम नवादा में भी बात किए हैं, जहानाबाद में भी, गया में भी, अभी वहां पे भी उन लोगों ने हट गए हैं, लेकिन जो किया है उन लोगों ने वो गलत किया है, कहीं पे भी ट्रेन को आग नहीं लगाना चाहिए, निंदनीय है ये, कहीं से भी हम लोग उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन अगर आप कहिएगा कि RRB की गलती 40 घंटा पहले आप 1.5 करोड़ लड़कों को हिला दीजिएगा, उसका ठिकरा RRB पे फोड़िए ना। जब बात हो रही थी RRB पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल पे बवाल हुआ था, तो वहां किसको आना चाहिए? RRB को आना चाहिए, हर एक इंसान आया RRB को छोड़ के, DM साहब अपना काम छोड़ के गए, DM का काम पटना को देखना है, पटना छोटा शहर नहीं है, करोड़ों की यहां पे लोग हैं, तो इनको देखना यहां पे बहुत मुश्किल है। पटना DM साहब गए, SP साहब गए, DRM गए, RPF गया, GRP गई, बिहार पुलिस गई, BMP गई, RRB नहीं गई, RRB का ऑफिस वहां से 2 किलोमीटर बस पैदल चला। साजिश नहीं, बेवकूफी है उन लोग की, 1980 के सोच है उन लोग का कि जब तक रेलवे को पूछो, हमको तो ऐसा लगता है ना कि RRB का पहले से मूड है, कुछ सेटिंग है कि ये काम करो, ऐसा उटपटांग काम करो आखिरी टाइम पे बवाल हो जाए और उसके बाद से सामान टूटेगा, 1 लाख का फूटेगा, हम 1 करोड़ बनाएंगे, बाकी यहां हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये RRB की गलती है। आप पिछले 20 साल का इतिहास उठाइए, जब RRB जब तक तोड़ फोड़ नहीं कराया नहीं हुआ, 8 मिलियन ट्वीट पर अगर RRB नहीं जगे तो क्या कहिएगा इसको? हम तो ही सोचते हैं कि बाप रे भगत सिंह कैसे लड़े होंगे, बाप रे उस समय तो हम लोग पढ़ाते थे, आज फील कर रहे हैं कितना मुश्किल हुआ होगा उन लोगों को लड़ने में। ये तो हम लोग का अपना देश है, RRB नहीं सुन रही है। खैर, प्रधानमंत्री ने इसमें